faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start lesson number 13 of class 6th. आज हम class 6th के लिए lesson number 13 start करेंगे और lesson number 13 का name है Community and Community Development. Community मतलब समुदाय, है ना? Community का हिंदी meaning क्या होता है? समुदाय. तो हम बात करेंगे आज community की और community development. है ना, समुदाय का विकास कैसे होता है, समुदाय होता क्या है. अब जैसे हम बात करें कम्युनिटी, फर्स्ट आई विल टेल यू कि व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन. जब कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है तो उसमें पब्लिक का क्या पार्ट होता है. उसके बाद हम देखेंगे द फंक्शन ऑफ डिफरेंट कमिटीज़ इन सिटीज़ विलेजेस टू गेट पब्लिक पार्टिसिपेशन. और फिर हम देखेंगे द रोल ऑफ कम्युनिटी इन डेवलपिंग सोशल एमिनिटी. है ना, सोशल एमिनिटी में जो हमारे कम्युनिटी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का या कम्युनिटी का क्या रोल है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की. कम्युनिटी क्या होता है बेटा, जैसे हम पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका कि एनी विलेज, स्टेट और कंट्री इज़ अ कम्युनिटी इन इटसेल्फ. कोई भी गांव हो गया या कोई शहर हो गया या कोई कंट्री देश हो गई, ये अपने आप में एक कम्युनिटी होती है. पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग जब एक साथ रहते हैं ना, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कम्युनिटी. पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट और रिलीजन लिव टुगेदर इन दिस कम्युनिटी. ओके, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल, दे परफॉर्म सेरेमनी एज पर कस्टम और ट्रेडिशन एंड होल्ड मैरिज सेरेमनी. अब क्या होता है, सब हमारा जो देश है, हमारा भारत देश है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है बेटा कि एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं सब, मतलब कि सब हिंदू हैं या फिर हिंदू ही हिंदू सब रहते हैं, कोई क्रिश्चियन रहता है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है. तो ऐसे क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन के लोग जब एक साथ रहते हैं और वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने कस्टम को परफॉर्म करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके रीति रिवाज होते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग वो कस्टम को परफॉर्म करते हैं. तो जब ये सब साथ में रहते हैं, एक कम्युनिटी बन के, कम्युनिटी में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, है ना, मैनी फैमिलीज लिविंग क्लोजली फॉर्म अ कम्युनिटी. बहुत सारे जब लोग होते हैं एक साथ रहते हैं, परिवार भी जब एक साथ रहते हैं, तो वो भी एक कम्युनिटी में रहते हैं, है ना. दस अ कम्युनिटी इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ फैमिलीज. कम्युनिटी को हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ फैमिलीज. जब कम्युनिटी डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिटी इज अ सच अ सोशल ग्रुप इन विच द सेंस ऑफ बिलोंगिंग और वननेस इज फाउंड. ठीक है, द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड एरिया ऑफ कम्युनिटी आर डेफिनेट. अब जैसे ये बात कर लें हम इधर थोड़ा, द सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट. आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन. इट्स अ मेंबर नो एंड इंटरेक्ट विथ वन अदर. Its function within a particular social structure and exhibits and creates norms, value and social institution. Community क्या होती है, देखो मेरी for example हम बोले हम family में रहते हैं. ठीक है, अब जब हम बोलते हैं हमारी family, आपके father, grandfather, ये हमारी एक पूरी family, grandmother, uncle, aunt, हम सब एक family में रहते हैं, मान लो joint family है. अब हम अकेले तो नहीं होते, अगर हम हमारे जो दादाजी होते हैं उनके बड़े भाई होते हैं, ठीक है, उनकी भी फैमिली होती है, छोटे भाई होते हैं उनकी भी फैमिली होती है, हमारे पापा होते हैं उनकी भी फैमिली और अंकल की फैमिली अलग होती है, हमारे मामा की फैमिली अलग होती है, नानी की फैमिली अलग होती है. तो क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़, ठीक है, डिफरेंट, जैसे कि आप देखें कुछ प्रोग्राम, हम एक कॉलर, ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज जब एक साथ रहती है तो वो कम्युनिटी बनाती है. जैसे कि एक और एग्जांपल, हम कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, जब हम कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में सिर्फ एक ही धर्म के लोग तो नहीं होते ना, एक ही मतलब एक ही रिलीजन को मानने वाले नहीं होते, वहाँ पर हिंदू भी हैं, पंजाबी भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई, सभी लोग साथ में रहते हैं. ठीक है, अब जब साथ में रहते हैं तो यदि कोई हमारी कॉलोनी है, उसकी एक सोसाइटी बनी है, हम साथ में कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये कम्युनिटी है ना, हम मतलब हमारा समुदाय बना हुआ, इतने लोग हैं हमारे साथ,
ठीक है। और जो कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, इतने सारे लोग जब साथ में रहते हैं, वो साथ में अपने व्यू शेयर करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? कम्युनिटी। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। इज देयर एनी डाउट हियर अबाउट कम्युनिटी? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी की विशेषताएं क्या होती है, क्या क्या विशेषता, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोग साथ में हैं, यहाँ पे ये लोग साथ में हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग साथ में होते हैं तब कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी की विशेषता हम देखें तो एक ग्रुप लिंक्ड बाय लोकेशन, कॉमन पर्सपेक्टिव्स और जॉइंट एक्शन, है ना। मैं आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट लाइक अ पॉइंट। कम्युनिटी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फर्स्ट, अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी क्या होता है? लोगों का समूह, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल फर्स्ट हो गई कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड हम बात करें, एनी विलेज, स्टेट और कंट्री इज अ कम्युनिटी इट्सेल्फ। कोई भी हमारा गांव हो गया, राज्य हो गया या फिर देश हो गया, है ना, तो ये कम्युनिटी होती है। आप अपने में खुद में एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। अ कम्युनिटी डेवलप इट्सेल्फ। कम्युनिटी क्या होती है? खुद से डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई और डेवलप कर रहा है। कम्युनिटी डेवलप इट्सेल्फ, हमें खुद में इट्सेल्फ खुद डेवलप होती है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन लिव टुगेदर इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी में विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के कास्ट और रिलीजन के लोग साथ में रहते हैं, साथ में रहकर कार्य करते हैं और अपने व्यू शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी वर्क डन बाय अ कम्युनिटी इज परमानेंट। यदि कम्युनिटी ने कोई कार्य किया है तो वो क्या होता है? परमानेंट होता है। क्यों परमानेंट होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सब अपने व्यू शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो वो काम, वो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? परफेक्ट होता है। अ कम्युनिटी इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस एंड यूनिटी अमोंग इट्स मेंबर। जो कम्युनिटी होती है बेटा, कम्युनिटी क्या करती है ना, एक अपन बोल सकते हैं फीलिंग डेवलप करती है यूनिटी की, एकता की। एकता कम्युनिटी जब सब लोग साथ में रहते हैं ना, तो किसकी फीलिंग डेवलप करती है? यूनिटी की। ओके, इज देयर एनी, आई विल रिकॉल यू दिस पॉइंट। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनी विलेज और स्टेट और कंट्री इज अ कम्युनिटी इन इट्सेल्फ। अ कम्युनिटी डेवलप इट्सेल्फ। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट रिलीजन लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी। और एनी वर्क डन बाय अ कम्युनिटी इज अ परफेक्ट और परमानेंट। अ कम्युनिटी एनकरेज द फीलिंग ऑफ यूनिटी अमोंग इट्स मेंबर। इज देयर एनी डाउट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी? है ना, आवर टू टॉपिक्स इज कम्प्लीटेड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसी के साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कि ह्यूमन बींग जो है, आज हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग क्या होते हैं? फैमिली में रहती है। अब फैमिली में रहते हैं फ्रॉम कोई भी ह्यूमन बींग हो बेटा, रहते फैमिली में, और धीरे धीरे एक छोटा भी बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे अपनी फैमिली में ग्रो करता है, बढ़ता है। जैसे कि हम देखें कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक ह्यूमन बींग फैमिली में रहती है। कैसे हुआ बेटा? जब बहुत सारी फैमिली साथ में होती है, सेवरल, अपन ऐसा बोलते कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल फैमिली लिविंग टुगेदर, है ना। अब पहले क्या होता था कि जो, और हम बात करें पहले, जब हम देखें हमारे प्रीवियस एज की बात करें, पुराने वाले पीरियड की बात करें, तो जो लोग थे उनको क्या था, वो क्या करते थे अपने खाने के लिए, उनकी नीड्स, जो बेसिक नीड थी उनकी, शेल्टर नीड थी, फूड उनको चाहिए होता था, तो अपने बेसिक नीड्स के लिए क्या करते थे, वो इधर उधर घूमते थे, हंटिंग करते थे। तो क्या करते थे वो लोग भी, कैसे रहते थे? कम्युनिटी में रहते थे, साथ में रहते थे, ठीक है। तो जब वो साथ में रहते थे ना बेटा, अगर वो जब हम प्रिमिटिव मैन की बात करें, तो जब ये लोग साथ में रहते थे, तो अगर वो हंटिंग करने गए तो वो फॉरेस्ट में गए, ठीक है। अब सब लोग अपना अपना अलग अलग माइंड वहाँ पे यूज़ करते थे। जैसे कि मान लो उनको फ्रूट से पेड़ पे से ऊपर से तोड़ना है, तो एक व्यक्ति एक को बताता कि नहीं अपन ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें, है ना। तो जब वो लोग अपने आपस में डिस्कस करते थे, तो वो उसके वो करते करते धीरे धीरे
धीरे करते करते अपने बेसिक नीड्स को क्या करते थे, कंप्लीट कर लेते थे। मतलब कि वो अपना फूड कहाँ से भी जहाँ से भी उनको चाहिए था वो प्राप्त कर लेते थे, शेल्टर वो पत्थरों का यूज़ करके उनके लिए केव्स बना लेते। तो ऐसे डिफरेंट 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 पीपल का डिफरेंट पीपल है, उसकी वो ऐसा सोच रहा है वो ऐसा सोच रहा है, ऐसे पूरा थिंकिंग आपस में शेयर करके उनकी बेसिक नीड को वो कंप्लीट कर लेते। जैसे हो गया उनका और पत्तों का यूज़ करा कभी उन्होंने, तो फूड शेल्टर और क्लोथिंग का यूज़ करके वो क्या कर लेते, अपने बेसिक नीड कंप्लीट कर लेते। तो क्या होता है उसको मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया कि आज यदि हम देखें तो व्यक्ति जब अपनी प्रॉब्लम है, यदि आपके सामने एक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप किसी से शेयर करते हो, आप एक कम्युनिटी में रहते हो, आप एक समुदाय में रहते हो, जब साथ में हम प्रॉब्लम से शेयर करते हैं तो हमको क्या होता है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि नहीं इसको नहीं ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे भी अच्छा सॉल्यूशन बताता है। तो ऐसे करते करते क्या होती है, हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो यदि हम कम्युनिटी में रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, तो हम हमारी प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट हम बात करें, ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सिटीजन पार्टिसिपेशन बोथ इन पर्पस एंड फंक्शन डिस्टिंग्विश कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रॉम अदर एंड टाइप ऑफ इंटरवेंशन। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसमें सिटीजन है जो हमारी पब्लिक है उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि उनके बिना क्या होता है, उनके व्यूज़ के बिना, इनके बिना कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और उसके लिए लोगों को एजुकेशन एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी क्या होगी कम्युनिटी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी और उसमें हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे। ओके, इज़ देयर एनी डाउट हियर? नाउ व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन देखिए तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। डेवलपमेंट कम्युनिटी का करना है हमको तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इट इज़ नॉट इन वन एरिया, फॉर रूरल और हम बात करें अर्बन, द बोथ एरिया पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले लें कि हमें किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस हुआ या फिर हमारा स्कूल हुआ या कोई भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ, वहाँ पर हमको ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वाटर कूलर और ये सब अरेंज करना है, तो आप क्या अकेले अरेंज करते हैं? नहीं, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो सभी लोग साथ में, कम्युनिटी मिलकर साथ में काम करते हैं, तो क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। जब हम डिस्कस करते हैं तो उनसे हमारे व्यू शेयर करते हैं और सामने वाला हमसे उसके व्यू शेयर करता है। तो जब वो डिस्कस हम आपस में करते हैं तो कोई सॉर्ट आउट होता है, एक सॉल्यूशन निकलता है, वो फाइनलाइज हम करते हैं कि नहीं हम इसको नहीं ऐसा ऐसा कर लेंगे तो हमारा कार्य परफेक्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, अब ये जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब लोगों का आपस में, लोगों ने आपस में पार्टिसिपेट किया, जब पार्टिसिपेट किया तो क्या हो गया, वो हमारा वर्क परफेक्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, आवर टू टॉपिक इज़ कम्प्लीट, दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, डिफरेंट कमिटीज़ एट विलेज एंड सिटी लेवल। जब ये जो है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट चल रहा है, कम्युनिटी में हम रहते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी कमिटी है एक शहरी क्षेत्र के लिए और सिटी लेवल के लिए, ठीक है। द रोल ऑफ लोकल सिटीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो लोकल सिटीज़न है, जैसे कि लोग सिटीज़न है, नागरिक हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो डिफरेंट कमिटीज़ हैव फॉर्म्ड द ग्राम पंचायत एंड द सिटी लेवल इलेक्टेड पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। द पावर इन द डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिसेंट्रलाइज्ड फॉर द लोअर लेवल्स सेंटर ऑफ द विलेज एंड सेंट्री थ्रू द कमिटीज़। अब जैसे कि ग्राम स्वराज जो है हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द ग्राम स्वराज सिस्टम ऑन द जनवरी 26, 2001। ऐसे बहुत सारी कमेटी बनाई गई, जैसे कि ग्राम स्वराज को इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी ग्राम स्वराज सिस्टम, जनवरी 26 जनवरी 2001 में। अब मैं आपको ये जो कमिटीज़ हैं इनके नाम बताते हैं, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। द फॉलोइंग कमिटीज फॉर्म्ड द विलेज और सिटी लेवल एज पर रेगुलेशन ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली कमिटी हो गई विलेज सिटी डेवलपमेंट कमिटी, पब्लिक वेल्थ कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, हेल्थ कमेटी, विलेज टाउन सिक्योरिटी कमेटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी,
एजुकेशन कमेटी एंड सोशल जस्टिस कमेटी। तो ये सारी कमेटी जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट कमिटीज़ एट अ विलेज एंड सिटी लेवल। ओके, आई विल रिकॉल यू, विलेज सिटी डेवलपमेंट कमेटी, पब्लिक वेल्थ कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, हेल्थ कमेटी, विलेज टाउन सिक्योरिटी कमेटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी एंड सोशल जस्टिस कमेटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पब्लिक पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड टूडे। जैसे कि हम बात करें कि जो कुछ कमेटी है उसमें क्या होता है, पब्लिक आज का हम देखें तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर रिक्वायर्ड है, हमको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कमेटी है विलेज वार्ड एजुकेशन कमेटी। ये जो कमेटी होती है, ये कमेटी, टास्क ऑफ दिस कमेटी टू हेल्प इन इंश्योरिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। तो बेटा ये कमेटी है जो बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये कमेटी काफ़ी हेल्पफुल होती है और मतलब उसके लिए कार्य करती है कि हम कैसे बच्चों को हेल्प करें एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और ये किस में, और ये मैनेजमेंट जो होता है स्कूल का उसमें भी पार्टिसिपेट करती है कमेटी। ठीक है, सेकेंड कमेटी विलेज वार्ड सिक्योरिटी कमेटी है ना। ये जो सिक्योरिटी होती है, ये जो कमेटी है, द कमेटी लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी मैटर ऑफ द पीपल है। ठीक है, किसको, विलेज का, विलेज वार्ड। इट ऑल्सो हेल्प द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंट्रोलिंग क्राइम। ये जो कमेटी है ये क्या होती है, सिक्योरिटी मैटर देखती है। जैसे कि हमने फर्स्ट एजुकेशन वाली देखी, तो वो पूरी किससे रिलेटेड होती है, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, मतलब वो बच्चे का एलिमेंट्री एजुकेशन भी देखती है और स्कूल के मैनेजमेंट के लिए भी कार्य करती है। और ये वाली जो सोसाइटी होती है सिक्योरिटी कमेटी, ये सिक्योरिटी मतलब अगर कुछ भी हो, क्राइम होने वाला है तो क्राइम को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर पूरा वो फोकस रखती है। थर्ड, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, तो इन मध्य प्रदेश। अच्छा, इज देयर एनी डाउट इन दिस टू कमिटी? ओके, दिस टू कमिटी यू क्लियर? अब जो ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो गया, इसमें क्या होता है ना, एक ये जो ऐसी मैनेजमेंट कम्युनिटी होती है, इसमें अंडर द पब्लिक एजुकेशन टू ऑर्डिनेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द एवरी गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए ये कमिटी काम करती है। इसमें जो एसोसिएशन होता है, जो भी ये एसोसिएशन होता है, वो किसके लिए अपॉर्क करता है, परसेंट एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एंड देयर रेगुलर प्रेजेंस इन स्कूलिंग। मतलब अब क्या होता है, पीटीएम में हम पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हमें आती है कि नहीं आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या पेरेंट्स हमसे शेयर करते हैं, नहीं हमारे बच्चे में थोड़ा डर है या फिर इसको अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी है ना, इस टाइप से डिस्कशन हो जाता है तो क्या होती है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इसी तरीके से ये जो स्कूल में है ना, स्कूल में क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं मिड डे मील का। इससे जो हमारी कमेटी में मिड डे मील का अरेंजमेंट होता है और चिल्ड्रंस इन स्कूल एजुकेशन जो भी अचीवमेंट है चिल्ड्रन के लिए वो देखे जाते हैं, एंड टेकिंग मेजर टू मेक टीचर्स अवेलेबल फॉर स्कूल। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड कमेटी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस यू अंडरस्टैंड, दिस मच यू अंडरस्टैंड। अब हम यदि पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी देखने के पहले हम ये देख लें सोशल इम्यूनिटी क्या होता है। सोशल इम्यूनिटी एक टॉपिक दे के रखा है आपको बुक में। बेटा जैसे कि हम किसी के दुख में या किसी के सुख में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर हम उसके साथ सेलिब्रेशन करते हैं, यदि कुछ खुशी है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना, लिविंग टुगेदर साथ में रहते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सोशल इम्यूनिटी का, है ना। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ऑफिस में साथ में काम करते हैं, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, हम समुदाय में रहते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के साथ हम उसका दुख या फिर हम बात करें उसकी सोरो हैप्पीनेस में हम पार्ट कर रहे हैं, उसके सेलिब्रेशन में हम पार्ट करते हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा सोशल एमिटी का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, पीपल एंड कम्युनिटी जो है कमिंग इन कॉन्टेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर। जैसे कि हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन में देखा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक लोकल सिटीजन का भी रोल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब जो भी है, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल है ना, एग्जाम्पल यदि हम ले लें कि इन विलेज में क्या है, आज इलेक्ट्रिक सिटी है, विलेज में भी इलेक्ट्रिक सिटी है, टेली कम्युनिकेशन है,
ब्रिक के हाउसेज है, कॉन्क्रीट के रोड हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक्सपांड हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? कम्युनिटी बन रही है, कम्युनिटी बन रही है तो मतलब जब कम्युनिटी कार्य करती है ना, एक समुदाय है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी बनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि शहरी क्षेत्रों में ही विकास होगा। उसी तरह हम देखें कि विलेज के जो क्षेत्र है उसमें भी कंटिन्यू विकास हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम सब एकता से रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का रोल हम देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, इट ऑल्सो प्रमोटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री। एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट। शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है, समुदाय का कंटिन्यू विकास हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें एजुकेशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। ठीक है, सो व्हाट इज वी डिस्कस हियर? हमने कम्युनिटी पढ़ा, कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ा, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन पढ़ लिया, है ना, हमने बहुत सारी कमिटी वो भी देख ली, सोशल एमिटी के बारे में पढ़ा, और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी भी हम देख चुके हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू।